देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय पूर्वक बधाई देता हूं। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में भारत ऐसे ही निरंतर प्रगतिशील रहेगा। मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा, बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी। ये 6 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण और रिफॉर्म के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। ईमानदार नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रतिबिंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की जनता का जो अटूट विश्वास है, वैसा देश की जनता का अपने नेतृत्व में विश्वास दुनिया में बिरले ही देखने को मिलता है। मोदी सरकार को चुनकर इन उपलब्धियों की सहभागीदार बनी भारत की जनता को कोटि कोटि नमन मैं करता हूं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं गत 6 वर्षों से मोदी सरकार के संदेशवाहक बन सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने वाले जो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके अथक परिश्रम और संगठन को सहाय ये हमने सीखा। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में ये भरोसा देश को है। भारत के आम जनमानस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दल दोनों की विश्वसनीयता को बढ़ाया। भारत की राजनीति में विश्वसनीयता की दृष्टि उनका अब तक का 6 वर्षों का कार्यकाल एक मील का पत्थर है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई और आगे के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता पे जब उसको करने की जरूरत थी, बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। 135 करोड़ लोगों के देशों में पूरे देश को बंद कर देना, स्टैंड स्टिल कर देना, सारे हवाई जहाज बंद कर देना, सारी रेलें बंद कर देना, सारे दुकानें बंद कर देना, सारे शॉपिंग मॉल सब कुछ बंद कर देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर देना और सारे देश को कहना कि आप घर के अंदर रहो। ये छोटी बात नहीं थी। दुनिया के दूसरे विकसित देशों के अंदर जो है इस फैसले को करने में लोगों ने बहुत सोचा, बहुत दिन वेस्ट कर दिए। और बहुत सारे देशों में तो जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वहां पर मौतें होने लगी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब उन्होंने इसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में, वो भी अधिकतर स्थानों पे कोई पार्शियल लॉकडाउन किया, कोई हाफ हार्टेड लॉकडाउन किया, और उसका नतीजा हमने स्वयं देखा है।